एक तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव, वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव। साफ तौर पर कहा जाए तो सत्ता और विपक्ष दोनों को अपना अपना दमखम दिखाने का मौका। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि 2024 में भी सत्ता पर काबिज करना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी एकजुटता की टीम बना ली है। हालांकि विपक्ष में सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस को सबसे मजबूत पार्टी माना जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस अपने आप को पूरी तरह से मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस ने इसी को लेकर CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC की नई टीम का ऐलान किया है। खड़गे ने अपनी टीम में अपने खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके शशि थरूर और राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को भी शामिल किया है। इसके अलावा गांधी परिवार के तीन चेहरों को कांग्रेस कार्य समिति में रखा गया है। इस टीम में खड़गे के बाद सोनिया गांधी और पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम है। उसके बाद राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार और दिग्विजय सिंह का नाम भी शामिल है। खड़गे की टीम में किसे मिली जगह, अब हम आपको उन नामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो खड़गे की टीम में शामिल है। सबसे पहला नाम खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का आता है, उसके बाद सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, तारिक अनवर, ललथन हवला, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, अशोक राव चौहान, अजय माकन, चरणजीत सिंह चन्नी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कुमारी शैलजा, गई खंगम गंगमई, एन रघुवीरा रेड्डी, शशि थरूर, ताम्रध्वज साहू, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, जितेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सचिन पायलट, दीपक बाबरिया, जगदीश ठाकुर, GM मीर, अविनाश पांडे, दीपा दास मुंशी, महेंद्रजीत सिंह मालविया, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन, कमलेश्वर पटेल, KC वेणुगोपाल शामिल है। वहीं स्थायी आमंत्रित सदस्यों में से वीरप्पा मोइल, हरीश रावत, पवन कुमार बंसल, मोहन प्रकाश, रमेश चनिथाला, BK हरि प्रसाद, प्रतिभा सिंह, मनीष तिवारी, तारिक हमीद करार, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, गिरीश राय चौड़नकर, टी सुब्रामी रेड्डी, के राजू, चंद्रकांत हंडोरे, मीनाक्षी नटराजन, फुले देवी नेतम, दामोदर राज नरसिम्हा, सुदीप राव बर्मन शामिल है। वहीं प्रभारी के तौर पर डॉक्टर HL कुमार, भक्त चरण दास, डॉक्टर अजय कुमार, हरीश चौधरी, राजीव शुक्ला, मणिकम टैगोर, सुखवीर सिंह रंधावा, रजनी पटेल, कन्हैया कुमार, गुरदीप सप्पल, देवेंद्र यादव, मनीष चतरथ शामिल हैं। स्पेशल आमंत्रित जिन्हें किया गया है उनके नाम है पल्लम राजू, पवन खेड़ा, गणेश गौदियाल, कोदी कुनील सुरेश, यशोमती ठाकुर, सुप्रिया श्रीनेत, परिणीति शिंदे, अलका लांबा, वामसी चंद रेड्डी, श्रीनिवास बीवी, नीरज कुंदन, नेता डिशूजा, लालजी देसाई। UP के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को नहीं मिली जगह। वहीं बात करें इस टीम के खास बात की तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में चुनावी राज्यों पर फोकस है। टीम में हर वर्ग के, हर जाति के लोगों को जगह मिली है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि हर राज्य को जगह मिली है, क्योंकि इस टीम में यूपी के किसी भी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के नाम शामिल नहीं है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में अपने ही पूर्व प्रदेश अध्यक्षों पर भरोसा नहीं है? CWC में पूर्व अध्यक्षों को जगह न मिलने पर अब तो पार्टी में कानाफूसी भी होने लगी है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों का यही कहना है कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वजह की कमी है। अगले साल लोकसभा का चुनाव है। कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में 80 लोकसभा सीटों वाले सूबे से केवल 3 नेता ही CWC में जगह बना पाए हैं, सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला और सुप्रिया श्रीनेत। CWC में राज बब्बर, अजय लल्लू और ब्रजलाल खाबरी जैसे नेताओं के नाम शामिल न होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस ने 50-50 पर बोला झूठ। इसके साथ ही टीम में एक बात की और कमी है, वो है 50-50 वाला फॉर्मूला, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उदयपुर के चिंतन शिविर में इस बात पर जोर दिया था कि कांग्रेस की टीम में युवाओं को तरजीह मिलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उदयपुर शिविर में 50-50 फॉर्मूले को लागू करने की बात कही थी, यानी टीम में आधे बुजुर्ग नेताओं की संख्या होगी तो आधे युवाओं की।
लेकिन CWC में शामिल आधे से ज्यादा नेता बुजुर्गों की श्रेणी में आते हैं। कांग्रेस की 84 सदस्यों वाली CWC में केवल डेढ़ दर्जन नेता ही ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। 50 साल के आसपास उम्र वाले नेताओं को भी शामिल कर ले तो ये तादाद करीब 2 दर्जन तक पहुँचती है, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की नई टीम में 50-50 फॉर्मूले की बात गलत निकली। CWC में बुजुर्गों की भरमार, कांग्रेस के CWC में बुजुर्ग नेताओं की भरमार है। 90 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा उम्रदराज सदस्य हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन के बाद उम्र के लिहाज से AK एंटनी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी, मीरा कुमार, पी चिदम्बरम, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह का नंबर आता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 75 साल के हरीश रावत और 74 साल के ताम्रध्वज साहू, 72 साल के तारिक अनवर को भी CWC में जगह दी गई है।